नमस्कार। आज की हमारी इस कहानी का शीर्षक है सलाह लें पर संभल कर। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो कि लोगों के समूह के बीच में रहता है। इस समूह में कई तरह के रिश्तों को वो निभाता है। कुछ रिश्ते निस्वार्थ होते हैं जबकि अधिकतर रिश्तों की नींव स्वार्थ पर टिकी होती है। हम जो प्रोफेशनल रिलेशन बनाते हैं वो अधिकतर आदान प्रदान या यूं कहें एक से दूसरे को और दूसरे से पहले व्यक्ति को फायदे की बुनियाद पर ही टिके होते हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि सभी रिश्तों के पीछे स्वार्थ होता है, लेकिन हाँ, आज की दुनिया में अधिकतर इंसान अपना फायदा देखकर ही रिलेशन बनाते हैं। दोस्तों, ऐसा कई बार होता है कि हम किसी दुविधा में फंस जाएं और हमें किसी की राय की जरूरत पड़ती है। तब हम अपने आसपास के लोगों से उस बारे में सलाह मशवरा करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। कई बार उनकी राय हमें सही रास्ते का मार्ग दिखाती है तो कभी और ज्यादा हमारे नुकसान का सबब बन जाती है। अगर आप माता पिता, भाई बहन, सच्चा दोस्त आदि निस्वार्थ रिश्तों को जो कि आपको सही राय ही देते हैं छोड़ दें, तो बाकी अधिकतर समाज के और वर्कप्लेस के लोगों से सलाह लें जरूर, पर अपना विवेक भी बनाए रखें, क्योंकि कई बार ऐसे सलाह देने वालों का स्वार्थ भी उनकी सलाह में छुपा रहता है। इसलिए सुने सबकी पर माने अपने विवेक और अंतरात्मा की। आपको एक कहानी बताता हूं। एक बार एक आदमी अपने छोटे से बालक के साथ एक घने जंगल से जा रहा था। तभी रास्ते में उस बालक को प्यास लगी और उसे पानी पिलाने उसका पिता उसे एक नदी पर ले गया। नदी पर पानी पीते पीते अचानक वो बालक पानी में गिर गया और डूबने से उसके प्राण निकल गए। वो आदमी बड़ा दुखी हुआ और उसने सोचा कि इस घने जंगल में इस बालक की अंतिम क्रिया किस प्रकार करूं। तभी उसका रोना सुनकर एक गिद्ध, सियार और नदी से एक कछुआ वहां आ गए और उस आदमी से सहानुभूति व्यक्त करने लगे। आदमी की परेशानी जानकर सब अपनी अपनी सलाह देने लगे। सियार ने लार टपकाते हुए कहा, ऐसा करो, इस बालक के शरीर को इस जंगल में ही किसी चट्टान के ऊपर छोड़ जाओ, धरती माता इसका उद्धार कर देगी। तभी गिद्ध अपनी खुशी छुपाते हुए बोला, नहीं, धरती पर तो इसको जानवर खा जाएंगे। ऐसा करो, इसे किसी वृक्ष के ऊपर डाल दो ताकि सूरज की गर्मी से इसकी अंतिम गति अच्छी हो जाएगी। उन दोनों की बातें सुनकर कछुआ भी अपनी भूख को छुपाते हुए बोला, नहीं, आप इन दोनों की बातों में मत आओ। इस बालक की जान पानी में गई है, इसलिए आप इसे नदी में ही बहा दो। और इसके बाद तीनों अपने अपने कहे अनुसार उस आदमी पर जोर डालने लगे। तब उस आदमी ने अपने विवेक का सहारा लिया और उन तीनों से कहा, तुम तीनों की सहानुभूति भरी सलाह में मुझे तुम्हारे स्वार्थ की गंध आ रही है। सियार चाहता है कि मैं इस बालक के शरीर को ऐसे ही जमीन पर छोड़ दूं ताकि ये उसे आराम से खा सके, और गिद्ध, तुम किसी पेड़ पर इस बालक के शरीर को इसलिए रखने की सलाह दे रहे हो ताकि इस सियार और कछुए से बचकर आराम से तुम दावत उड़ा सको, और कछुआ, तुम नदी के अंदर रहते हो इसलिए नदी में अपनी दावत का इंतजाम कर रहे हो। तुम्हें सलाह देने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं इस बालक के शरीर को अग्नि को समर्पित करूंगा, ना कि तुम्हारा भोजन बनने दूंगा। यह सुनकर वो तीनों अपना सा मुंह लेकर वहां से चले गए। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर व्यक्ति आपको स्वार्थ भरी सलाह ही देगा, लेकिन आज के इस कॉम्पिटिटिव युग में हम अगर अपने विवेक की छलनी से किसी सलाह को छान लें तो शायद ज्यादा सही रहेगा। हो सकता है कि आप लोग मेरी बात से पूरी तरह सहमत ना हो, पर कहीं ना कहीं आज के युग में ये भी तो सच है कि मेरे नजदीक रहते हैं कुछ दोस्त ऐसे जो मुझ में ढूंढते हैं गलतियां अपनी।